தற்போது உரையாற்றி வருகிறார். அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம். ஜனார்தன் தர்சன் கரண அவசர மிலா ஸ்வயம் ஜாக்கர் ஆசீர்வாத் லேனே கா அவசர மிலா ஹை லேகின் ஆதரணீய சபாபதி ஜி பாரத் கா எக் பரிபக்வ லோக்தந்திர ஹோ துனியா கா சப்சே படா லோக்தந்திர ஹோ சுனாவ் அப்னே ஆப் மே லோக்தாந்திரிக் விஸ்வ கே லியே பஹத் படி அஹமியத் ரக்தா ஹை உஸ்கே க்ளோபல் வேல்யூ ஹோத்தி ஹை உஸ் சமய அப்னி சோச் கி மரியாதாவோ கே காரண விசாரோ மே பன்பி ஹுயி விக்ருதி கே காரண இத்தனே படே ஜனாதேஷ் கோ ஹம் யே கஹ தே கி ஆப் தோ சுனாவ் ஜீத் கயே லேகின் தேஷ் சுனாவ் ஹார் கயா மே சமஜ்தா ஹூம் கி இஸ்ஸே படா भारत के लोकतंत्र का अपमान नहीं हो सकता, इससे बड़ा जनता जनार्दन का अपमान नहीं हो सकता। यह एक सामान्य वाक्य नहीं है, एक गंभीर रूप से देश के लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और जब यह बात कही जाती है कि लोकतंत्र हार गया, देश हार गया, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या वायनाड में हिंदुस्तान हार गया? क्या क्या रायबरेली में हिंदुस्तान हार गया? क्या क्या बहरामपुर में, तिरुवनंतपुर में हिंदुस्तान हार गया? क्या और अमेठी में क्या हिंदुस्तान हार गया? क्या ये कौन सा तर्क है? यानी कांग्रेस हारी तो देश हार गया, मतलब देश यानी कांग्रेस, कांग्रेस यानी देश? अहंकार की एक सीमा होती है, अहंकार होना ही नीचे सीमा का कहां सवाल है। लेकिन इस प्रकार का मैं जरा जानना चाहूंगा, 17 राज्य 55-60 साल तक देश में सरकार चलाने वाला दल 17 राज्यों में एक सीट नहीं जीत पाया, क्या हम आसानी से कह देंगे देश हार गया? मैं समझता हूं कि इस प्रकार की भाषा बोल करके हमने मतदाताओं के विवेक पर ठेस पहुंचाई, देश के मतदाताओं को हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। हमारी आलोचना मैं समझ सकता हूं और लोकतंत्र में वो स्वीकार्य भी है, इतना ही नहीं, आलोचना सम्मानित है, लेकिन देश के मतदाताओं का इस प्रकार का अपमान बहुत पीड़ा देता है। और तब जाकर के हो सकता है मेरी वाणी में कोई आक्रोश भरे शब्द भी हो, लेकिन वो मेरे दल के लिए नहीं है, इस देश के परिपक्व लोकतंत्र के लिए है, भारत के संविधान निर्माताओं की समझदारी के लिए। और हमारा, हम इस चुनाव में देखें 40-45 डिग्री टेम्परेचर और लोग दिन दिन भर कतार में खड़े, 80-90 साल के बुजुर्ग हाथ में लाठी लेकर के वोट करने के लिए जा रहे थे। कई ऐसे चुनाव का काम का जिम्मेवारी संभालने वाले अधिकारी, 2 दिन पहले मां की मृत्यु हुई है, लेकिन चूंकि चुनाव के अधिकारी के नीचे जिम्मेवारी है, वो ईवीएम मशीन का दफ्तर उठा करके किसी गांव में गया है ड्यूटी करने के लिए। कितने कितने लोगों के तपस्या के बाद ये चुनाव होता है और हम ऐसे ही देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। हम उससे आगे बढ़ गए, पता नहीं हमारे मन को क्या हो गया, हमने ये भी कह दिया देश के किसानों का अपमान कर दिया, हमने यहां तक कह दिया देश का किसान बिकाऊ है, 2-2 हजार रुपए की योजना के कारण किसानों के वोट खरीद लिए गए। मैं मानता हूं इस देश के किसान को ऐसे अपमानित करना नहीं चाहिए। मेरा देश का किसान, हमारे देश का किसान बिकाऊ नहीं है। हमारा देश का किसान तो वो है जब अन्न पैदा करता है, काली मजदूरी करके अन्न पैदा करता है, वो कभी सोचता नहीं है कि मैंने मेहनत करके जो अन्न पैदा किया है वो किसके पेट में जाएगा, गरीब के पेट में जाएगा कि अमीर के पेट में जाएगा, वो कभी नहीं सोचता है। उस किसान के लिए हम ये कह दें
कि हमारे देश में मैं समझता हूँ 15 करोड़ किसान परिवारों को बड़े अपने अपमानित किया इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके कि 2-2 हजार रुपए की स्कीम के कारण वो बिक गए। मैं हैरान हूं, मीडिया को भी गालियां दी गई, मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं, हम कहां खड़े हैं? मीडिया के कारण चुनाव जीते जाते हैं, मीडिया बिकाऊ है क्या? मीडिया कोई खरीद लेता है क्या और खरीद करके करते हैं? और जिन राज्यों में, क्या तमिलनाडु में भी यही लागू होगा क्या? क्या केरल में यही लागू होगा क्या? हम उन बातों को करें जिस बातों में कोई, क्योंकि ये सदन ऐसा ही, सदन में बोली गई बातों का अपना एक महत्व होता है। हम कुछ भी कहते रहते हैं और ठीक है अखबारों में हेडलाइन मिल जाएगी, लेकिन भारत का लोकतंत्र जिसमें दुनिया में उसकी एक प्रतिष्ठा है, हमने गर्व होना चाहिए। भारत की चुनाव प्रक्रिया विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा अवसर होती है और इस अवसर को हमने खोना नहीं चाहिए। जब इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए लोग मुझे मिले थे तब मैंने उनसे कहा था, जो निवृत्तमान होते थे वो जब मिलने आए तो उनको कहता था, मैंने कहा हमारी एक ऐसी बड़ी अमानत है ये चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्थाएं विश्व के सामने जानी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी विशालता और व्यापकता, 10 लाख पोलिंग स्टेशन, 40 लाख से ज्यादा ईवीएम मशीन, 650 राजनीतिक दल, 8000 से ज्यादा कैंडिडेट्स, कितना बड़ा रूप व्यापकता। हम इस बात को दुनिया के सामने रखें कितना गर्व हो सकता है, दुनिया को भी आश्चर्य होगा। मैं समझता हूं कि हम अपने निजी राजनीतिक कारणों से, हम इस प्रकार से कहें, इस चुनाव में एक बहुत बड़ी बात नजर आई है, हमारी बहन बेटियों ने जो कमाल की है। हमारे देश में चुनाव पहले से होते हैं, महिलाओं को मतदान पहले से मिला हुआ है, लेकिन हमने देखा है कि हमेशा पुरुष और स्त्री के मतदान में करीब करीब 9-10% का मार्जिन रहता था, पुरुष का मतदान करीब करीब 9% ज्यादा रहता था, पहली बार ये करीब करीब 0 हो गया। ये अपने आप में भारत के लोकतंत्र की एक उज्जवल निशानी है। हम उसमें से उन चीजों को देखें और इस बार खुशी है कि करीब 78 सांसद महिला हमारी बहनें चुन करके आई है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग जीत करके आए इतना नहीं है, इस चुनाव की एक विशेषता है, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सभी कोने में। மாநிலங்களவையில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி உரையாற்றி வருகிறார். குடியரசுத் தலைவர் உரை மீதான தீர்மானத்தின் மீது அவர் பேசி வரும் நேரடி காட்சிகளை பார்த்தும் அப்போது மக்கள் தங்கள் மீது வைத்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலேயே 2வது முறையாக தனிப்பெரும்பான்மையோடு வெற்றி பெற்றிருப்பதாக கூறிய அவர், ஊடகங்களை விலைக்கு வாங்கி வெற்றி பெற்றோம் என்ற குற்றச்சாட்டிற்கும் பதிலளித்திருக்கிறார். இந்த அவருடைய உரை குறித்த கூடுதல் விவரங்களை பின்னர் வரும்